हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं टू सॉकेट और टू स्विच वाला इलेक्ट्रिकल बोर्ड। जो हमने सॉकेट लिए हुए हैं वो दोनों 6 एम्पियर के हैं, और स्विच भी दो लिए वो 6 एम्पियर के हैं। आगे से आप देख सकते हो ऐसा दिखेगा आपको, ये दो स्विच और दो 6 एम्पियर के सॉकेट लिए हुए हमने। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो स्विच दिख रहे हैं उसमें हमें फेज वायर को जोड़ना है, और ये दोनों स्विचों को हम कॉमन वायर दे देंगे। जो दूसरी साइड से जो स्विच का वायर निकलेगा वो हमारा जाएगा सॉकेट के एल मार्किंग किया हुआ जो रहेगा वहाँ पे जाएगा, और दूसरी स्विच का जो वायर निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फेज वायर और ये दोनों स्विच को कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से पहले माप ले लेंगे और इसको वायर को कट कर लेंगे, पूरा छील देंगे उसको। तो सबसे पहले हम वायर को ऐसे कट कर देंगे पूरा, यहाँ से इसका इंसुलेशन ऊपर का निकाल देंगे और कॉमन कर देंगे। देख सकते हैं हमने ये छील लिया है। पे इस वायर को आपको ऐसे ट्विस्ट कर देना है अच्छे से, ट्विस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइड से हमें वायर को जाने देना है उस साइड स्विच तक, दूसरी स्विच तक। देख सकते हो ऐसे ये हमारा वायर पहुंच गया है। अभी इसको हम फेज वायर दे देंगे, जो हमारा लाइन वायर है उसको, ये हमने लाइन वायर दे दिया है। अभी इसको हम दोनों स्विच को जो स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया, अब इसको भी टाइट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन वायर को स्विच के दूसरी साइड से लेंगे और इस सॉकेट में देंगे। सबसे पहले इसमें हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से, और सॉकेट में कहाँ पे देना है आप देख सकते हो, यहाँ पे एल मार्किंग आपको दिख रहा होगा। एक साइड पे एल रहेगा और यहाँ पे दूसरी साइड पे न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रल देना। तो स्विच का जो दूसरी साइड से वायर निकलेगा उसको हमें एल मार्क किया हुआ जो कनेक्टर रहेगा उसमें देना है, तो हम वहाँ पे इसको दे देते हैं। वायर को अच्छे से ट्विस्ट करना है और फिर उसमें डाल के टाइट करना है। हमारा एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया। हमने सबसे पहले लाइव वायर दिया स्विच में, और फिर दूसरी साइड एक स्विच से हमने एक सॉकेट में दे दिया है। ठीक है, अभी दूसरी स्विच का कनेक्शन दूसरे सॉकेट से करते हैं। सबसे पहले हम स्विच में कनेक्ट करेंगे इसको, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे वायर को, फिर यहाँ पे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट होने के बाद हम दूसरी साइड का जो वायर है उसको सॉकेट में देना है हमें, जो एल मार्किंग यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एल मार्किंग है यहाँ पे भी। यहाँ पे देख रहे होंगे एल मार्किंग किया हुआ है इसमें भी, और यहाँ पे न्यूट्रल है दूसरी साइड भी, और यहाँ पे एल है। अभी कनेक्ट करेंगे इसको, अभी इसको हम टाइट करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा लाइन वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लाइन वायर यहाँ पे स्विच के एक साइड पे दिया और इसको यहाँ से हमने कॉमन कर दिया, और जो स्विच का दूसरी साइड से निकल रहा है उसको हमने एक सॉकेट में दिया यहाँ पे कनेक्शन, और दूसरी स्विच से जो एक साइड से निकल रहा है वायर उसको हमने दूसरे सॉकेट में दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल का वायरिंग। न्यूट्रल का वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल वायर आ रहा है उसको हमने छील दिया है, और एक और वायर हमने इस माप का हमने एक टुकड़ा लिया है ब्लैक कलर का, देख सकते हो आप। अब यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस दोनों को थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे साथ में, जो कि निकले नहीं, तो ये ट्विस्ट कर लिया हमने। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा हम छील लेते हैं, सही नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने ट्विस्ट कर लिया है वायर को। अभी हम किसी एक सॉकेट में दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप इस सॉकेट में, और इसमें भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे देंगे हम। देख सकते हमने दे दिया इसको, और फिर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अभी देख सकते हो वहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया है एक सॉकेट में। अभी हम न्यूट्रल को दूसरे सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। अच्छे से इसको भी टाइट कर देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। न्यूट्रल हमें डायरेक्ट देना है यहाँ पे सॉकेट में एक साइड पे, और दूसरे साइड के एक कनेक्टर के सॉकेट में, तो हमारा फेस और न्यूट्रल का हो गया। अभी लास्ट में हमारा बचा अर्थिंग, तो हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग के कनेक्शन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे इतना टुकड़ा हमने ले लिया है काट के और इसको छील दिया है, और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और एक वायर जो हमारा आ रहा है उसको यहाँ पे एक साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा एक सिंगल वो करेंगे, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अभी टाइट करते हैं हम। एक साइड हमारा अर्थिंग कनेक्ट हो गया है, अभी हम इसको दूसरी साइड भी कनेक्ट करेंगे। इसको भी अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारे सारे वायर का कनेक्शन हो गया है, तो हम अब क्या करेंगे, इस बोर्ड का ट्रायल लेंगे। हमें इस बोर्ड में आगे हम दो सॉकेट में 3 पिन टॉप डाल के एक लैंप को जलाएंगे, और देखते हैं बोर्ड हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चलो देखते हैं। दोस्तों हमने बोर्ड चेक करने के लिए ऐसे लैंप को 3 पिन टॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम वन बाई वन चेक करेंगे दोनों प्लग और स्विच को, तो देखेंगे यहाँ पे हम ऑन करते हैं, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं बराबर से काम कर रहा है, और अभी दूसरे सॉकेट को भी चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पे देख सकते हो हमारा दोनों काम कर रहा है बराबर से, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म कर दें। हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप, और कुछ आपको डाउट है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।